हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन खुराना विद लव शेफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बादाम मिल्क शेक की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो बनता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बादाम को भिगो के रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 15 बादाम लिए हैं और इसको हमने ओवरनाइट सोक करके रख देना है। तो चलिए, बादाम मैंने सोक करके रख दिए हैं और सुबह हम इनको चेक करके ले लेंगे। बादाम अच्छे से सोक हो गए, चलिए साथ में दूध भी चढ़ा देते हैं। एक पैन में मैंने 1 लीटर दूध ऐड किया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। बादाम मैंने छील के ले लिए हैं। अभी हम इसको मिक्सर जार में ऐड करेंगे और साथ में ही हम यहाँ पर थोड़ा सा गर्म दूध ऐड करेंगे जिससे ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। बादाम हमने यहाँ पे ज़्यादा इसका फाइन पेस्ट तैयार नहीं करेंगे, एकदम दरदरा सा हम इसको पीसेंगे ताकि अच्छा सा क्रंच आए इसमें। तो चलिए, बादाम हो चुके हैं, एकदम दानेदार इसका पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट, हमें ऐसा ही चाहिए। तो दूध को चेक कर लेते हैं। दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है और दूध को हमने कंटिन्यूसली बॉयल करना है 15 से 20 मिनट तक, और इसको हमने 20% तक रिड्यूस करना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। आप मिठास अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही डाल रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर जो इसके टेस्ट को और भी इन्हांस कर देगा और काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर इसमें देगा। साथ में केसर के कुछ थ्रेड इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा इसमें, एकदम बाज़ार में जैसे हम बादाम मिल्क शेक पीते हैं उस तरीके का टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो चलिए, कलर के लिए यहाँ पे मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं। दूध को हमने कंटिन्यूसली बॉयल होने देना है। ये देखिए, कलर हल्का सा चेंज हो चुका है इस वक्त। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर की स्लरी और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना और कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक कि दूध थोड़ा थिकन ना हो जाए। तो दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और काफ़ी थिक हो चुका है इस वक्त। तो अभी हम इस वक्त पे इसमें ऐड करेंगे बादाम जो हमने दरदरा पीस के रखे था, उसमें थोड़ा सा दूध मिला के मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हमने। और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक कि ये दूध हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आता कम। तो जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको ग्लास में पोर करेंगे। तो चलिए, ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अभी मैंने एक ग्लास ले लिया है, अभी इसमें हम इसको पोर कर देंगे। तो ये देखिए, एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है ना, जैसे बाज़ार में हम बादाम मिल्क शेक पीते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चॉप्ड नट्स, उसके साथ गार्निश करेंगे हम। तो इस तरीके से हम बादाम मिल्क शेक घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, पीने में एकदम हेल्दी और डिलीशियस ही ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ शेयर की है बादाम मिल्क शेक की रेसिपी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और नई नई रेसिपी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।